हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को ऑर्थोमिक्सोवायरस के बारे में बताने जा रही हूँ। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आने की इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो ऑर्थोमिक्सोवायरस में देखिए क्या है। ऑर्थोमिक्सोवायरस का जो जीनोम है वो 8 सेगमेंटेड होता है और लीनियर होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड निगेटिव सेंस आरएनए वायरस होते हैं, मतलब इनका जो जीनोम होता है वो निगेटिव स्ट्रैंडेड आरएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। हेलिकल कैप्सिड पाया जाता है। इन्वेलप्ड वायरस होता है जिसमें दो स्पाइक प्रोटीन होती हैं। इसके इन्वेलप में जो दो स्पाइक प्रोटीन होती हैं उनका नाम है एचए और एनए। एचए का मतलब है हीमाग्लूटिनिन, एनए का मतलब है न्यूरैमिनिडेज। मैं आपको इसको दिखाती हूँ फिगर में, देखिए ये 8 सेगमेंटेड इसका जीनोम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 सेगमेंटेड आरएनए जीनोम है। इसके बाद हेलिकल कैप्सिड बनाया हुआ है मैंने, उसके बाद इन्वेलप बनाया हुआ है डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है, डबल स्ट्रैंड के डबल मेम्ब्रेन इन्वेलप बनाया हुआ है। उसमें इन्वेलप में मैंने दो तरीके की प्रोटीन दिखाई है, एक एचए है और एक एनए है, ठीक है। ये दो तरीके की प्रोटीन केवल और केवल स्पेसिफिक है ऑर्थोमिक्सोवायरस के, ठीक है। तो ऑर्थोमिक्सोवायरस में आपने इतना थोड़ा सा आप इसको लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में। उसके बाद जो इसका मेन मेंबर है वो इन्फ्लुएंजा वायरस है, जो 3 इसके स्ट्रेन पाए जाते हैं, इन्फ्लुएंजा ए वायरस, इन्फ्लुएंजा बी वायरस, इन्फ्लुएंजा सी वायरस। इन्फ्लुएंजा ए वायरस जो होता है वो बहुत सारी स्पीशीज़ को इन्फेक्ट करता है, जिसपे ह्यूमन स्पीशीज़ भी आती हैं, बर्ड स्पीशीज़ भी आती हैं, मतलब बर्ड फ्लू के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। इन्फ्लुएंजा बी जो वायरस होता है वो केवल ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है। इन्फ्लुएंजा सी वायरस भी बहुत सारी स्पीशीज़ को इन्फेक्ट करता है, लेकिन रेयर केसेस में ही इसके इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं। तो चाहे बर्ड फ्लू आ जाए, चाहे आपका इन्फ्लुएंजा आ जाए, करना आपको सेम यही चीज़ है। स्ट्रक्चर में आपको डिस्कस कर ही चुकी हूँ। स्ट्रक्चर इसका ये इस तरीके से आप बना दीजिएगा, सिंपल स्ट्रक्चर है, सेगमेंटेड जीनोम है और एच एन ए इसके इन्वेलप में पाए जाने वाले दो प्रोटीन्स हैं। अब इसकी पैथोजेनेसिस देख लीजिए कैसी होती है बर्ड फ्लू या इन्फ्लुएंजा की। सबसे पहले वायरस अटैच करता है अपने होस्ट के साथ एच ए के थ्रू, एच ए जो इसका हीमाग्लूटिनिन वाली प्रोटीन होती है। उसके बाद एंटर करता है एंडोसाइटिक वेसिकल के फॉर्म में, क्योंकि जब ये मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगा, जैसे मान लीजिए कि ये हमारी सेल है, इसके साथ जब ये वायरस आके अपने हीमाग्लूटिनिन वाले पार्ट के साथ, ये वायरस का इस तरीके से प्रोटीन है, तो इस हीमाग्लूटिनिन वाले रिसेप्टर के साथ ये सेल के सरफेस से बाइंड करेगा और इंटरनलाइज हो जाएगा। इंटरनलाइज होने के बाद ये मेम्ब्रेन का ही कुछ पार्ट ले लेगा एंडोसाइटिक वेसिकल के फॉर्म में, और उसमें इस तरीके से वायरस के इस तरह से प्रोटीन रहेंगे, ठीक है। इंटरनलाइज हो जाएगा एंडोसाइटिक वेसिकल के फॉर्म में। उसके बाद इसका जो आरएनए जीनोम है वो रिलीज़ होगा, निगेटिव सेंस आरएनए जीनोम रिलीज़ होगा। अब निगेटिव आरएनए जीनोम डायरेक्ट प्रोटीन तो बना नहीं पाएगा, तो फिर क्या करेगा, वो जीनोम में जाएगा और पॉजिटिव आरएनए का सिंथेसिस करेगा। पॉजिटिव आरएनए बनने के बाद मैसेंजर आरएनए बन जाएगा, मैसेंजर आरएनए फिर साइटोप्लाज्म में आएगा, फिर ट्रांसलेशन होगा उसके, तो वायरल स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनेंगे। वायरल स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनने के बाद क्या होगा, वायरस की असेंबली होगी और वीडियोन फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद वो उस सेल को लाइसिस करके दूसरे सेल में जाकर इन्फेक्शन फैलाएगा। अब ये वायरस का जो ट्रांसमिशन होता है वो एरोसॉल्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिक्रीशन, जब हम छींकते हैं या जब हम स्नीजिंग करते हैं उस टाइम पे जो वायरस है वो एरोसॉल्स में आ जाता है, और एरोसॉल्स के थ्रू ही दूसरे इंसान को इन्फेक्ट कर सकता है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में या रेस्पिरेटरी म्यूकोसा में ही मल्टीप्लाई करता है और वहाँ पे सेलुलर डिस्ट्रक्शन और इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, जिससे हमें बाद में सांस लेने में दिक्कत भी हो जाती है और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज होने लग जाता है, एल्वियोलर डैमेज होने लग जाता है। तो ये आपको इतना लिखना होगा इसके पैथोजेनेसिस में, तो इसको आप लाइन बाय लाइन याद कर लीजिएगा। इसके बाद इसका जो सिम्टम है, डायग्नोसिस है, ट्रीटमेंट है, प्रिवेंशन है, ये सब आपको कॉमन ही लिखना है, जो मैं आपको इसके पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसमें यूनिट 3 और यूनिट 4 का मैंने कंबाइंड बनाया था, इसको देख लीजिए। फिर इसके बाद मैं आप लोगों को एक और कोई पॉजिटिव स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस के बारे में भी बता दूंगी, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।